है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमस्ते भ्याह, ओम नमस्ते भ्याह, अहिंसा परमो धर्म की, आचार गुरुवर श्री कुंज कुंज भगवान की, आचार गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बांस का वन है, बांस बहुत ऊंचे जाते हैं, बहुत ऊंचे जाते हैं और तोरण द्वार का काम करते रहते हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, इधर का इधर, इधर का इधर, ऐसे मिल जाते हैं। ब्रह्मचारी जी कहते हैं ना, दोनों हाथ उठाओ, शिखर बनाओ, ताली बजाओ। तो हमने सोचा बांस का वन ऐसा होता होगा, होता है तो बहुत घना है और उसमें ऐसा रहता है, कांटेदार तो रहते हैं उसकी शाखाएं उपशाखाएं हैं, लगता है कि कोई व्यक्ति मैं यूँ काट ये को काट करके ले जाऊंगा, धीरे धीरे काटने तो साफ हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। जब उसने काटा एक को और खींचना प्रारंभ कर दिया, खींचा नहीं, क्यों नहीं, हाथ में तो आया था वो नीचे का हिस्सा, किंतु खींच नहीं पाया ऊपर तक। प्रत्येक पोर में से शाखाएं जो फूटी थी वो एक दूसरे के ऐसी गुथी हुई थी, वह निकाल ही नहीं पाया। इसलिए कि इसी प्रकार घना यदि एकत्व आ जाता है, कोई कितनी भी उसको एक प्रकार से अलग करना चाहे नहीं कर सकता। अब ये हो गया, किंतु यदि दूसरी तरफ से तो सुरक्षा हो गई, आपस में यदि संघर्ष हो जाए तो क्या होता, क्या होता होता, ये संघर्ष तो उसने एकता के माध्यम से ठीक कर दिया। यदि आपस में भिड़ जाए तो क्या होगा, तो आग उत्पन्न हो, हाँ घर्षण, तो उस संघर्ष के कारण कोई आग नहीं भी लगा दे तो ही आपस में संघर्ष के कारण आग उत्पन्न हो जाए तो पूरा का पूरा वन खाक हो जाए। दोनों बातें हैं, वहां इस ढंग से संरक्षण की अपेक्षा से दूसरा उसमें कोई घुस नहीं सकता, लेकिन ये यदि होता है तो एक सेकंड भी नहीं लगे पूरा का पूरा वन समाप्त। संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए किंतु विपक्ष के साथ, हाँ पक्ष के साथ नहीं, विपक्ष के साथ संघर्ष करना चाहिए तो निश्चित रूप से सफलता अपने मिलेगी, और अपने पक्ष के साथ संघर्ष करेंगे तो ये होता। यदि आपको संघर्ष करना है तो कर्णों के साथ संघर्ष करो, बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल, संघर्ष करना सीखो तो संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय होता है। ये हमारी मुख बांटी है, सीधी सीधी बोलती है, है समझे, किंतु सभी को दिशा बोध
देती है। सीधी भाषा में हमेशा हमेशा सरल भाषा में सबको समझ में आ जाए, इस उद्देश्य को लेकर के एक दो पंक्ति भी काफ़ी वह असर कर जाती है। वह असर तो करना चाहिए, सर तक ही नहीं करना चाहिए, सर को नहीं, यही तक रहता है, नीचे उतरता नहीं। नहीं, वह यहाँ से नीचे उतर तक उतर करके रयंगम होना चाहिए। तो संघर्ष करो, जीवन तो संघर्षमय ही रहता है, आराम के साथ होता है, स्वर्ग से भी नीचे टपकना पड़ता है, नहीं समझे? तो ऊपर जाने के लिए तो बहुत मेहनत हो गई थी, लेकिन उसका फल विषय और भोग है, उसका अंत निश्चित है, उसकी उम्र है। यदि हम विपक्ष के साथ संघर्ष करते हैं तो वह निश्चित रूप से वह वन पूरा पूरा भीतर का कर्म वन नष्ट हो जाता है। इस रहस्य को समझना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। हमें संघर्ष दूसरे के साथ नहीं किंतु कर्मों के साथ संघर्ष करना, अज्ञान दशा में हमने ही कर्म वन खड़े किए हैं और भी उसका सिंचन किया जा रहा है प्रतिक्षण, किंतु सिंचन न करके उसको यदि साफ करना है तो विक्रांता कहो जन्म ले लो, अपने आप ही राग का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। यही संक्षेप से आप लोगों की वक्त ऐसा।